गुड इवनिंग इंडिया, मैं राहुल अखाड़े इस नासवीज रिटेल्स के फिजिकल फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। थैंक्स टू ऑल, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है सब लोगों का एंड वी आर सुपर एक्साइटेड दिस इवनिंग टू शेयर दिस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी विथ यू। आज के दिन सिचुएशन ये है, बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन है, लोग घर पे बैठे हुए हैं और आने वाले भविष्य के लिए हम में से हर कोई कुछ सोच रहा है क्योंकि हमें भविष्य में आशाएं नजर नहीं आ रही है। What we are expecting from our life. तो ये प्रोग्राम किस बारे में है, मैं इनिशियली ये बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली है क्या और इससे हमारी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप घर पर बैठ के जहां पे आप बैठे हो वहां पे बैठकर अपनी लाइफ में अपने लिए काम करने वाला एक सिस्टम जनरेट करो, अर्निंग जनरेट करो और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम पा सको, इसके बारे में ये पूरा प्रोग्राम है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो प्रोग्राम अभी हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग ऑल ओवर इंडिया में लास्ट 20 साल से काम कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोई भी आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक प्रूवन सिस्टम है ऑल ओवर इंडिया जिसको हम लोग काम कर रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। सो हम लोग आज के दिन में देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन वर्किंग ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आए हैं। हमेशा कहते हैं हमारा माइंड जो है वो पैराशूट की तरह होता है, जब ओपन रहेगा तभी काम करेगा। तो अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा विद इन जस्ट वन मिनट कि आप अभी ये प्रोग्राम कहां से विटनेस कर रहे हैं, जस्ट टाइपिंग चैट बॉक्स सो दैट मैंने जो कहा था कि गुड इवनिंग इंडिया, तो हम देखते हैं कि यस पुणे, दिल्ली, फरीदाबाद, यस फैंटास्टिक, ओडिशा, पुणे, बेंगलोर, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, दुर्ग, दिल्ली, नेपाल, वाओ, पानीपत, बांग्लादेश, रायपुर, अंबिका नगर, दिल्ली, हड़प्सर, ओके, मोरबी, गुजरात, डोंबिवली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेलकम टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ उस पर्सन को जो हमें इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देगा। यस, कालेवाड़ी, फरीदाबाद, डुवंडी, भिवनी, वी कैन सी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आ चुके हैं। सो ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम है कि आप जहां पे बैठते हो वहां से बैठकर पूरी इंडिया का जो हम नक्शा देखते हैं, ये सोचिए कि पूरे नक्शे पे हम लोग काम कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम। और तो यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स एंड वी आर फीलिंग सुपर एक्साइटेड विथ यू दिस इवनिंग। तो प्रोग्राम का मैं स्टार्ट करता हूं, जो इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे उनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली जो बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग, दैट इज ही हैज डन एमबीए, उन्होंने एमबीए किया हुआ एक रेप्यूटेड जेन्युइन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में उन्होंने कुछ दिन जॉब किया, उसके बाद में खुद का बिजनेस भी किया, सारे उतार चढ़ाव सारे बिजनेस के जॉब्स के जो फायदे है और जो लिमिटेशन है वो सारे देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि इससे अलावा इसके अलग क्या कुछ मिल सकता है। इन दैट सर्च उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा जस्ट 2 years बैक, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका ग्रोथ है, ही इज ग्रोइंग विद ग्रेट स्पीड, बहुत एनर्जेटिक है। और जो मैं कहूंगा तो अभी आप उनको सुनने वाले हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए हिज एनर्जी एक्साइटमेंट स्टिल उनकी बातों में, जो एक समझाने वाला एक्सप्लेनेशन वाला जो मोड है, जिस तरीके से वो समझाते हो वेरी ब्यूटीफुल मोड, मैंने बहुत कम लोगों को इस तरह से समझाते हुए लाइफ में देखा है। सो इट्स माय प्लीजर टू वेलकम मिस्टर खीम सिंह जी, इज इन दिल्ली जस्ट नाउ, आई मीन पूना, आप लोग ऑल ओवर इंडिया में है तो इस ऑनलाइन प्रोग्राम का हम पूरा मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं और हमारी लाइफ को एक अगले लेवल पे लेके जाते हैं। सो खीम सिंह जी, हेलो, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वेलकम करता हूँ इस ग्रैंड प्रोग्राम में। जैसा राहुल सर ने बताया था, मेरा नाम खीम सिंह, मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड देहरादून से। और बड़ी बात यह है, मैं आप सब लोगों का सल्यूट करता हूँ कि आप अपना
टाइम जो है अभी इस पीरियड में यहां पे दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम. आज जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, राहुल सर ने बताया था कि हम लोग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकें इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में. दो बातें हैं, या हम लोग टाइम को स्पेंड करें और इस टाइम को हम लोग इन्वेस्ट करें. इस टाइम को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मिल पाएगा, मेरा यकीन मानिए. और इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, इस इंडस्ट्री की ताकत है, आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, अपने परिवार में, अपने रहन सहन के स्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. या फिर जो काम हम कल तक कर रहे थे, जो सिचुएशन हमारी कल तक थी, वही सिचुएशन आगे रहेगी. सो इट्स ऑल अप टू अस, हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, समझें इसको कैसे है क्या है. डेफिनेटली जो बाहर अभी सिचुएशन चल रही है उसमें हम सब लोगों को जानने की जरूरत है, और साथ में हम लोगों को अपने साथ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है. क्या ये प्लेटफॉर्म वो हमको दे पाएगा, क्या ये प्रोग्राम हमारे लिए हो सकता है? और एक चीज अभी मैं एक डिक्लेयर करना चाहूं, इस प्रोग्राम के लास्ट में आप लोगों के लिए दो सरप्राइज होंगे, तो वो मिस मत कर दीजिएगा, उसको मिस मत करिएगा. यस डेफिनेटली दैट इज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ, और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं जिस गोल पर तक हम लोग जाना चाहते हैं. छोटा सा एक यहाँ पर 2 मिनट का टाइम और लूंगा, उसके बाद वो सरप्राइज डिक्लेयर करने की मेरी बारी है, वेट कीजिएगा. ये सब कुछ देखा था मैंने भी आज से 2 साल पहले. दोस्तों एक 2 मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहूंगा. मैंने क्यों इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, क्या वजह थी इसके पीछे बड़ी. मैंने कहा ना, पिछले 17 साल से मैं जॉब कर रहा था, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मैंने काम किया, मैं मार्केटिंग में भी जॉब की थी, मैंने प्रोडक्शन में भी जॉब की थी, मैं एज ए जनरल मैनेजर पोजीशन पर था, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी आती, मैं अपने आप को राजा समझ रहा था. बट ऑल ऑफ सडन एक दिन मैं रात को 11 बजे 11:30 बजे मैं एक चंडीगढ़ से देहरादून की तरफ आ रहा था, गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे मैं और मेरा दोस्त, 11:30 बजे के आसपास थी, मेरे दोस्त को थोड़ा झपकी आने लगी. मैं बोला या तू सो मत, या तो तू गाड़ी चला या फिर पीछे बैठ जा. उसने कहा, मेरे को आधे घंटे का टाइम दिया, वो पीछे वाली सीट पर चला गया. जैसे ही वो पीछे वाली सीट पर गया, वहां पर सोया, मैं कम से कम 15-20 मीटर और आगे जाता, 20 किलोमीटर आगे जाता, वहां पर एक बड़ा सा एलपी वाला ट्रक आया और उसने गाड़ी को हिट कर दिया. लकीली ऊपर वाले की दया कृपा, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, हम दोनों लोग बच गए. और जिस साइड को बैठा था, मैंने 15 मिनट पहले मैंने कहा पता नहीं ऊपर वाले ने बचाना था उसको, जिस साइड को वो बैठा था वो साइड रगड़ के चला गया वो एलपी ट्रक. क्या वजह थी उस वक्त, मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने उसको बोला तू या तो सो जाए तो पीछे बैठ जा. उस इंसिडेंट ने दोस्तों मेरे को हिला के रख दिया. शॉक था, कम से कम 1 मिनट लग गया था मेरे को अपनी होश में आने में, पूरे सिस्टम को हिला गया. मैं अपनी सीट पर जहां पर बैठा था बैठे रह गया, हाथ पैर कांप रहे थे मेरे, आगे अंधेरा छा गया था, मेरे को होश ही नहीं था मैं कहां पर हूं. मेरे को लगा मैं ऑफिस में हूं, घर पर हूं या कहां हूं. उस दोस्त को मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि ये अनकॉन्शियस हो गया, ये बेहोश हो गया. उसने जोर से हिलाया मेरे को, कहता खीम बाहर आ, गाड़ी के बोनेट से धुआं आ रहा है. किसी भी तरीके से उन्होंने मेरे को बाहर निकाला. तब 1 मिनट के बाद जब मेरे को होश आया तब मेरे को उस वक्त डर लगने लगा. एक बात जोर से मेरी दिमाग में कौंधी, अभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता, अभी कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती तो कौन मेरी पीछे लाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को टेक केयर करता. क्या जिस जॉब में, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वो कंपनी मेरे को जितनी सैलरी दे रही थी वो मेरे घर वालों को देती क्या? शायद नहीं. जिस पोजीशन पे मैं काम कर रहा था, मैं फैक्ट्री हेड था वहां पर, जिस पोजीशन में काम कर रहा था वो पोजीशन क्या मेरे घर वालों, मेरी फैमिली को, किसी को देते क्या? शायद नहीं. तो कौन देखता मेरे बच्चों की फीस, घर की EMI, गाड़ी, कार, कपड़े, खाना, कौन करता है सब? मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, पापा मेरे रिटायर्ड हैं. तो ये बात मेरे जब दिमाग में आई, एक बात क्लियरली उस वक्त कौंधी दिमाग में, मैं कहा थीम कुछ भी करो, आज यहां से आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात करो, कोई ऐसा सोर्स जनरेट करो जो आपकी लाइफ में अपने बच्चों को पीछे सिक्योर कर सकती है. बॉस नेट पर ढूंढा, इंटरनेट पर ढूंढा, दुनिया भर के वहां पर चीजें आ रही थी, दुनिया भर के तरीके आ रहे थे, ऐसे कमाओ, ये करो, वो करो, इस तरीके से करो, कहीं ना कहीं कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी. तो
बाद में एक मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने एक रिकमेंड किया मुझे कि क्यों ना तू डायरेक्ट सेलिंग को देख ले। मुझे लगा नहीं नहीं वो जोड़ने का काम, वो चेन बनाने का काम, इस तरीके से मैं जानता था इसको। उसने बोला खीम आज देखो, आप पढ़े लिखे हो, जानकार हो, समझदार हो, जाओ नेट पे, इंटरनेट पे जाओ, ढूंढो उसको, देखो। तो देखा, सिस्टम का हिस्सा बना। आज प्राउडली कहता हूं यस, मुझे गर्व है आज इस सिस्टम का हिस्सा बनते हुए, क्योंकि यहां से पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। एक तरीका, एक कारण मेरा ये था बड़ा, मेरी फैमिली सिक्योर हो जाए, मेरी फैमिली सेफ हो जाए। और दूसरी वजह थी, बड़ी वजह थी मेरी साथ इसको ज्वाइन करने की, यहाँ पर ना कोई एज, ना कोई एजुकेशन, ना कोई कास्ट, ना कोई कोई भाईचारा, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। ये सिस्टम सब लोगों के लिए बराबर है, कोई बाउंड्री नहीं है। तीसरी बड़ी बात ये थी, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री थी। आज बड़ी समस्या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व कर रहा था ये। किसी महान सेक्शन ने कहा कि किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को लेके आओ या उस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। ये थी, हम इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका एक, उसको आज सॉल्व कर रहा। दूसरी बड़ी बात है, आज एक चीज और देखें, 138 करोड़ लोग हैं हम लोग इंडिया के, उसमें केवल 46% लोगों के पास रोजगार है। ओनली 46% लोग रोजगार है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, 54% लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो क्या हम लोग ऐसे सिस्टम को, ऐसे मौके को उनको नहीं दे सकते? क्या पता मेरे जैसे कई और लोग होंगे जिनको फैमिली सेफ्टी चाहिए। यस, इस बात को कैसे आगे लेके जाना है और कैसे उनने इस सिस्टम को, इस सिस्टम में अर्न किया और किस तरीके से इस सिस्टम को पिछले 19 ईयर से वो इस सिस्टम का हिस्सा है, ये बताने के लिए इस बात को मैंने कहना, मैं खाली बात नहीं कर रहा, हम लोग खाली सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हमारे पास टेस्टिमोनियल है। आज आप नेस्विज लिख के देखिए गूगल पे, यूट्यूब पे नेस्विज लिख के देखिए। मैं ऐसे ही एक शख्स को बुलाना चाहता हूं, नेस्विज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सब लोग इस तरीके की बात करते हैं। मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता हूं। वो ऐसे शख्स हैं बहुत सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पे बिलीव करते हैं, और जो मैं इनकम और जो गाड़ी और जो घर दिखा रहा था वो सब कुछ वो अचीव कर चुके हैं। तो क्या आप ऐसे शख्स से मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उनके व्यूज जानना चाहेंगे? यस, वेरी गुड। यस, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। आज लकीली आई गॉट द चांस टू इन्वाइट हिम, नन अदर देन मिस्टर सुनील नायर सर। लास्ट 19 ईयर से इस सिस्टम का हिस्सा है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटिंग, हर नहीं लूं लास्ट 19 इयर्स ऑफ टाइम। मैं एक छोटा सा, एक 2 मिनट्स ये डिस्कशन हम लोग मेरी शेयरिंग में खत्म करना चाहूंगा एक छोटा सा स्टोरी बताकर, यानी एक ट्रू स्टोरी है। सो एक हैरी हॉरिसन एक पर्सन था, वो ग्रेट मैजिशियन था। सो उस पर्सन ने क्या किया था कि उसका एक दावा ऐसा था कि कोई भी दुनिया के कोई भी जेल का जो लॉक है वो मैं इजिली ओपन कर सकता हूँ, ये उसका एक कॉन्फिडेंट था। सो उसने क्या किया था कि एक चैलेंज किया था, और इससे पहले उसने बहुत सारे जेल का लॉक उसने ओपन किया था बहुत ही इजिली। सो एक दिन उसने चैलेंज किया था कि कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसे जेल हो मैं उसका लॉक इजिली ओपन करता हूँ। सो फिर क्या हुआ था कि रशिया में एक जेल का एक सुपरिटेंडेंट ने ये कहा, हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इस जगह पे आइए। सो वो पर्सन जो है हैरी, वो उस जगह पे गया और उस जेल के अंदर, वो सेल के अंदर गए और वो गेट जो है वो शट हो गए। और वो क्या किया, उसके पास एक सिंपल सा एक आयरन का छोटा सा एक वायर था। सो उसने अपना काम स्टार्ट किया और उसका दावा यह था विद इन 1 आवर उस लॉक को मैं ओपन करूंगा। सो क्या हुआ था, विद इन 30 मिनट्स हो गए, उसका कॉन्फिडेंस जो पहला था वो बहुत कम हो गए। 1 आवर के अंदर वो पूरा पसीना से क्या हो गया, वो बिल्कुल टायर्ड हो गए। सो 1.5 आवर हो गए, वो इतनी डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेटिंग हो गए, एंड विद इन 2 आवर्स उसने गिव अप कर दिया। और क्या हुआ, वो जमीन पे गिर गया। जमीन पे जब गिरते टाइम पे उसने वो दरवाजा ऐसे पकड़ा और गेट ओपन हो गए। तो वो तो शॉक हो गया कि गेट तो मैंने नहीं किया, बट गेट कैसे ओपन हो गए। तो रियलिटी क्या था, वो गेट बंद ही नहीं था माय फ्रेंड्स, वो गेट लॉक ही नहीं था, बट उस बंदे ने अपनी दिमाग को लॉक कर दिया था।
उसको लगा कि ये दरवाजा यू नो इट्स लॉक्ड और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला थाला उसमें लगा हुआ है। उसने ये सोचकर वो बार बार ट्राई कर रहा था बट रियलिटी में क्या था, वो दरवाजा बंद ही नहीं था। वैसे ही सेम वे आप जरा सोचिए माय फ्रेंड, हमारे दिमाग में कितनी सारे लॉक लेकर हम लोग घूम रहे, कितनी सारे लॉक लेकर हम लोग घूम रहे, कभी ये कोशिश नहीं करते। इसका सिंपल हमें ये जाना है, वो दरवाजा ये जो हम लोग लॉक लेकर घूम रहे वो हकीकत में रियलिटी में कोई लॉक है ही नहीं है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब देखिए केमची ने इतनी फैंटास्टिक नेसविस का अपॉर्चुनिटी दिया, अगर ये अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर इंडिया, अगर इतनी लाखों लोग इस बिजनेस को ऑलरेडी करें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हर रोज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें ऑल ओवर इंडिया, आप जरा सोचिए इस अपॉर्चुनिटी में वाकई ही कुछ है जो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। इसके बारे में सोचिए माय फ्रेंड्स। सी आई टेल यू कि दिमाग सबसे सुपर पावर है, सबसे सुपर पावर है, और वो एक रियल लाइफ हमें कहता रहता है क्या करके तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें एनर्जी नहीं है, राइट, इस तरह से काम करोगे तो फेल हो जाओगे, ये सब कुछ ये कहता रहेगा आपको, आपको उसको बताना है थैंक यू फॉर योर एडवाइस और आपको आगे बढ़ना चाहिए माय फ्रेंड्स। अब देखिए हजारों एग्जांपल आई कैन गिव यू बट लैक ऑफ टाइम, सो अभी द रियलिटी क्या चीज है देखिए, उस पे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए दरवाजा लॉक नहीं है, दिमाग लॉक्ड है, तो हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, वो दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, कैसे करना, कैसे, हजारों सवाल आपके दिमाग में होंगे राइट नाउ, उसको सब कुछ साइड पे रखिए, हम बगी काम करके इस बिजनेस में आगे बढ़े। नाउ आई विल टेल यू कि अभी जिस पर्सन ने ये बिजनेस सिस्टम को रेडी किया, वो पर्सन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस को इन 2002, ऐसे एक डायनेमिक पर्सन को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा माय फ्रेंड्स। अब मैं आपको ये पर्सन के बारे में बताता हूं। देखिए एक थिक जंगल में उन्होंने एक डिसीशन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं एक इतिहास रचाऊंगा, यानी जो गांधी जी का एक सोच था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाऊंगा, और ऐसे ही इस पर्सन का एक सोच था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एक जबरदस्त हिस्ट्री क्रिएट करना है विद दिस नेसविस अपॉर्चुनिटी। अब उस टाइम पे देखिएगा कि 2002 में कंपनी बिल्कुल एक स्क्रैच में थे, बिल्कुल एक नया कंपनी, देन व्हाट हैपेंस कि उस स्क्रैच में थिक जंगल, पता नहीं किस डायरेक्शन पे चलना है, बट सर ने हमेशा उस साइड पे उस जंगल के उस पार क्या था वो विजन में देखे और अकेले चल पड़े और हमारे लिए एक रास्ता बनाए। जब हम लोग भी चलते रह गए उस रास्ते पे, सर ने जो रास्ता बनाए उस रास्ते पे चलते गए चलते गए चलते गए, हमने ये नहीं सोचा कि उस पार क्या है, सर वहां पे रास्ता है क्या, हमने सिर्फ सर का फुटप्रिंट के ऊपर पैर रखे आगे गए माय फ्रेंड्स। उसका नतीजा वी हैव कंप्लीटेड 19 इयर्स, आज वही रास्ता जो जंगल था आज एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन गए जो आपके लिए रेडी है। हमें सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करना है, उस सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे लेकर आना है और सिर्फ ड्राइव करना है, नो हम्प, नो आपको कोई लाइक यू नो स्पीड ब्रेकर नहीं है, एंड द कार इतनी स्मूथ एंड इतनी स्पीड से जाएगा, और आपको सिर्फ लाखों लोगों को ये बताना है दिस इज अ जर्नी ऑफ अ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो जिन्होंने ये सभी जर्नी इतनी स्मूथली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर आए, ऐसे एक डायनेमिक पर्सन को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, इट्स माय प्लेजर मैं सर को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। मैं हमारी जो कंपनी के डायरेक्टर है मिस्टर संतोष चंद्रकर सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, गिव हिम अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी राहुल जी। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग और वेल डन गाइस, सुनील जी, खेम जी एंड राहुल जी, बहुत शानदार आप लोगों ने बात की। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप सबसे बात करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है,
उसका मतलब है कि अगर आज हमारी इनकम बंद हो जाए तो हम आगे कितने दिनों तक जो है सरवाइव कर सकते हैं, अगर हमारे हमें आज पैसे आने बंद हो जाए तो। आप देखिए लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है और वो नई जॉब की तलाश में हैं और उनको नया जॉब कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ पे जॉब मिलना है जो ऑफिस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो वेयर हाउस हैं, वो सारे बंद हैं। तो अगर आप देखिए कि आज अगर आपकी जॉब चली जाती है या किसी इंसान की जॉब चली जाती है तो वो आगे कितने दिनों तक बिना पैसे के, नए पैसे आने बंद हो जाएं तो सर्वाइव कर सकता है। कोई कहेगा मैं एक महीना कर सकता हूँ, कोई छः महीने भी कर सकता है, कोई दो साल कर सकता है, कोई पाँच साल कर सकता है, और कोई पूरी लाइफ के लिए सर्वाइव कर सकता है। तो अगर आप पूरी लाइफ के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, नए पैसे आने बंद हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को, फाइनेंशियल फ्रीडम को आपने हासिल कर लिया है। और अगर अभी तक से आपने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं किया है, जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम को करते हुए आपको दो साल हो चुके हैं, पाँच साल हो चुके हैं, दस साल हो चुके हैं, बीस साल हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं किया है तो नेस्विस का बिजनेस प्लान आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। बस जरूरत है आपको आंख मूंद के नेस्विस में भरोसा करने के लिए और नेस्विस में जुड़ने के लिए। तो केवल डिसीजन नहीं लेना है बल्कि एक्शन भी लेना है। यानी कि सिर्फ अभी नहीं सोचना है कि मैं ठीक है, मैं एग्री करता हूं, मैं जुड़ जाऊंगा, नहीं, उसके जस्ट बाद आपने खुद एक्शन लेना है और जिसने आपको इनवाइट किया है आपने उनको कॉल करना है और उनको बोलना है कि मैं इस फाइनेंशियल फ्रीडम में, मैं इस आर्थिक स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है नेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि आप उस कॉन्फिडेंस के साथ में बात करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सबने इस प्लान को देखा, इस बिजनेस प्लान को देखा। गुड नाइट, गॉड ब्लेस, थैंक यू। ओवर टू राहुल अखाड़े जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जबरदस्त तरीके से ये सेमिनार हो चुका है किम सिंह जी, बहुत बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया और बहुत एक्सप्लेन किया बहुत प्रॉपरली, तो थैंक यू वेरी मच। सभी गेस्ट जिन्होंने इसको बहुत ध्यान से सुना, वेलकम टू नेस्विस। थैंक्स टू संतोष सर फॉर हिज जबरदस्त जो गाइडेंस करते हैं सर, एक सेंटेंस में पूरा सब कुछ हिला के रख देते हैं। सुनील जी जिन्होंने बहुत जबरदस्त स्टोरी बताया, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या करना है, तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, आपको बहुत सारे पैकेजेस दिखाए गए थे, कोई भी एक पैकेज वन टाइम लाइफ में यहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और इसके बाद में लाइफ में कोई कंपल्शन नहीं है। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट नेस्विस। और जिन्होंने आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने का, इस फैमिली में आने का डिसीजन लिया है, उन सभी का मैं नेस्विस फैमिली की तरफ से, राहुल अखाड़े, सबका ग्रैंड वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एंड में बस यही कहूंगा, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, जहां है वहीं पे रहे और नेस्विस के साथ एक नए लेवल पे लेके जाइए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।